वेलकम टू डू द लॉ। यहाँ पर हम लीगल सिस्टम, लॉ, इसको अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में हम लगातार लेकर आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर अलग अलग वीडियोस। हमारी आगे कोशिश होगी कि लॉ को लेकर और जो चीज़ें हैं उन पर बात करें, पर अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे बात कर रहे हैं। और आज का वीडियो होने वाला है सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो मुख्य विशेषताएं जो कि भारतीय संविधान को अलग बनाती हैं दूसरे संविधानों से। शुरुआत करते हैं प्रीएम्बल से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी एक झलक दे देता है। एक इंट्रो है, एक तरह का ट्रेलर है जो आपको बताता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार कैसी होगी और सरकार के अलग अलग जो भाग होंगे उनके आपस में संबंध कैसे होंगे और नागरिकों को क्या अधिकार दिए जाएंगे। दूसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो वो है कि फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स यानी कि वो आधारभूत अधिकार जो कि नागरिकों को प्राप्त हैं, जैसे कि इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये तमाम, और राइट टू एजुकेशन भी जुड़ गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन जुड़ा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो है वो इन अधिकारों को देता है फंडामेंटल राइट्स के तौर पे। तीसरे हम सेलियंट फीचर्स की बात करें तो तीसरे नंबर पे है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें आप देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इसके तहत जो चीज़ें एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह दी हुई हैं ताकि भविष्य में आने वाली सरकारें अपने कानून को इन से रोशनी लेकर बना सकें, पर इनके लिए कोई जस्टिसेबल राइट नहीं बनता है। नागरिक इनको मांग नहीं सकते, परंतु ये सरकार के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे नंबर पर फेडरल स्ट्रक्चर है। तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग राज्यों का एक स्ट्रक्चर्ड गणराज्य का तरीका बताता है भारत की सरकार के लिए, पर अगर आप इसको बारीकी से देखेंगे तो इसको डिस्प्यूट किया जाता है कि जहां एक तरफ भारत में फेडरलिज्म है वहीं कुछ झलक हमें यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की भी दिखाई देती है, यानी कि जिसमें सेंटर बहुत मजबूत हो। तो एक अच्छा सा ब्लेंड कह सकते हैं आप, जो टिल्ट है थोड़ा सा यूनिटरी फॉर्म की तरफ, यानी कि केंद्र को काफ़ी कुछ अधिकार हैं। पाँचवें नंबर पे जो सेलियंट फीचर है वो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। हम जानते हैं कि जुडिशियरी को भारत में एक बिल्कुल अलग तरह से रखा गया है और उसका अपना स्ट्रक्चर है, जहां ज़िले लेवल पे न्यायालय मौजूद हैं, वहीं हाई कोर्ट्स लगभग राज्यों के स्तर पर मौजूद हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है कि वो एक तरफ ओरिजिनल और एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन दोनों के लिए काम करेगी और कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी फेडरलिज्म के प्रिंसिपल से कंसिस्टेंट करते हुए ये दिया गया है। और ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसको इतने अधिकार दिए गए हैं कि वो किसी भी लेजिस्लेचर को या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डिनेंस को नल एंड वॉइड भी कर सकता है। इमरजेंसी के प्रोविजन है छठे नंबर पर। भारत में किन्हीं विशेष परिस्थितियों में इमरजेंसी लगाने का अधिकार भी दिया गया है, जिसमें सारे के सारे अधिकार राष्ट्रपति के पास आ जाते हैं। ये स्थितियां हैं, वॉर हो जाए, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है या इंटरनल डिस्टर्बेंस है, तब की परिस्थिति में। सातवें नंबर पर हम बात करें तो सिंगल सिटीजनशिप। कई देशों में ऐसा होता है कि उनके राज्य की भी नागरिकता आपको मिलती है और देश की भी नागरिकता, यानी डुअल सिटीजनशिप होती है, पर भारत में ऐसा नहीं है। आप किसी भी राज्य में रहते हो, नागरिकता आपकी सिर्फ एक होगी, तो एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। आठवें नंबर पर सेकुलरिज्म। सरकार का या राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं होगा और इसमें सभी धर्मों को अपने प्रचार प्रसार और उनके मानने वालों को अपने मत अनुसार अपने विधि विधानों का फॉलो करना अलाउ होगा। अगली बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि जो भी एडल्ट हैं उन सबको बराबरी के दर्जे से वोट देने का अधिकार होगा।
अगला पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये क्लियर है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट का रहेगा, इसमें जो एग्जीक्यूटिव है वो अकाउंटेबल होगी लेजिस्लेचर को। ये अगला पॉइंट जो है 12वां, वो है इंडिपेंडेंट पब्लिक सर्विस। तो जो एग्जीक्यूटिव का बड़ा हिस्सा है वो पब्लिक सर्विस के लोगों का आता है, जिसे हम यूपीएससी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके तहत हम तमाम जो आईएएस और अलग आईपीएस आईएफएस तमाम लोगों को हम जो देखते हैं, ये सब जो कुछ होता है वो इस इंडिपेंडेंट पब्लिक सर्विस जो जिसका कि प्रोविजन संविधान में दिया गया है उसके तहत होता है। फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये बात हम कर चुके हैं कि जहां एक तरफ संविधान फेडरल स्ट्रक्चर को स्पष्ट तौर से दिखाता है मगर साथ में केंद्र की सत्ता को मजबूत दिखाता है कि कई सारे मामलों में केंद्र राज्य सरकारों के निर्णयों को पलट सकता है, विशेष और वो क्लियरली डिफाइंड भी है। इसी तरह से अगला हम बात करते हैं फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो अब बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि ये कैसे, तो पर ये अब एक्ट है और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन होगा, जिसके तहत हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल भी RTE के तहत अपने यहाँ बच्चों को रखते हैं। अब आगे बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, जो कम संख्या में हैं उनके लिए हमारा संविधान सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि उनके लिए कि वो अपना एजुकेशन सिस्टम बना सकें, इंस्टीट्यूशन डेवलप कर सकें, और इनके वेलफेयर और इनके प्रमोशन की जिम्मेदारी सरकार की होगी। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन अगला सेलियंट फीचर है। हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, उसमें अन्य जो हम कह सकते हैं कि सरकार के स्ट्रक्चर हैं उनका अमल दखल नहीं होता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल पावर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास। इसके तहत ही हम देखते हैं जो रिजर्वेशन हमें दिखाई देता है, और इन तमाम समुदायों की, चाहे वो SC, ST और OBC हों, इनके कल्चर को प्रमोट करना, इनको रिजर्वेशन नौकरियों और शिक्षा में देना, ये तमाम इसके तहत होता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, संविधान में इस बात का प्रोविजन रखा गया है कि ऑडिटर जनरल होंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम CAG कहते हैं, और वो केंद्र तथा राज्य के तमाम अकाउंट्स को जांच सकेंगे और अपनी रिपोर्ट देंगे और देखेंगे कि उसमें कहीं कोई गड़बड़ी ना हो रही हो। अगला सेलियंट फीचर है सर्विस ट्राइब्यूनल्स। अब जहां एक तरफ अकाउंट्स की बात आ गई, वहीं सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए अलग अलग ट्राइब्यूनल्स मौजूद हैं, इसका प्रोविजन संविधान में है। उस ट्राइब्यूनल्स के माध्यम से उनके अपने मामले जो हैं वो हल किए जा सकते हैं, उनको एम्प्लॉइज को विल हैव अ फेयर एंड इम्पार्शियल फोरम टू रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट्स। अगली बात करते हैं ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन की कल्पना है हमारे संविधान में, जिसके तहत हम देखते हैं लोकायुक्त को राज्य में, और जो लोकपाल की बात हमें सुनाई देती है सेंट्रल लेवल पे, वो हम जो देखते हैं, जो हमने अन्ना आंदोलन देखा, वो ये रोशनी मौजूद है हमारे संविधान में, इसीलिए इसकी बात होती है। इसके बाद बात करते हैं स्पेशल प्रोविजन फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उनके अधिकारों की सुरक्षा, उनके कल्चर का प्रमोशन, उनके अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का होना, इन तमाम चीज़ों को भी हमारे संविधान में जगह दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोविजन फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। हमारे यहाँ 3-tier गवर्नेंस की सोच रखी गई है संविधान में, जिसमें जहाँ एक केंद्रीय स्तर पर दिल्ली में सरकार होगी, राज्य के मुख्यालय यानी कि राजधानी में राज्य की सरकार होगी, वहीं नगरीय निकाय होंगे और साथ में पंचायतें होंगी जो कि ग्रामीण क्षेत्रों को गवर्न करेंगी, इसका भी प्रोविजन हमारे संविधान में मौजूद है। अगली बात करते हैं अगले सेलियंट फीचर की, प्रोविजन फॉर
कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी कुछ लोग मिलकर अगर व्यापार करना चाहते हैं, कुछ धन उपार्जन के काम करना चाहते हैं, तो न सिर्फ इसको अलाउ किया जाएगा बल्कि सरकार इसको प्रमोट भी करेगी। इसकी वजह से हम तमाम तरह के कृषि से जुड़े हुए मामलों में कोऑपरेटिव्स को देखते हैं, और उसका बहुत सुंदर जो उदाहरण दिखाई देता है वो दूध के क्षेत्र में, और अमूल उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसका प्रोविज़न यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए गुंजाइश होना, ये भी हमारे संविधान में मौजूद है। अगला जो सेलियंट फीचर है वो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट है, कि भारत के जो इकोलॉजी है, उसके फॉरेस्ट हैं, एनवायरनमेंट है, उसको प्रोटेक्ट। अब अंत में हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो आप शायद समझते हैं, परंतु ये भी सेलियंट फीचर हैं, ये भी विशेषताएं हैं। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा हुआ सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, 146,385 वर्ड्स अंग्रेजी के भारतीय संविधान में हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ये कितना बड़ा है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि मोनैको करके एक जो देश है उसके संविधान में कुल 3,814 शब्द या वर्ड हैं इंग्लिश में। तो ये भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे लंबा चौड़ा संविधान है, ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, बहुत सारे देशों, अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड, इंग्लैंड, इनके संविधानों से जहाँ लिया गया है, वहीं बहुत सारे फिलोसफिकल किताबें और भारतीय संस्कृति से भी चीज़ों को इंस्पायर होकर इस संविधान को लिखा गया। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये भारत के संविधान के लिए हमेशा कही जाती है बात, कि एक ये गजब का संतुलन है जो कि एक तरफ ब्लेंड दिखाता है हमें कि रिजिडिटी भी है और ये फ्लेक्सिबल भी है। जहां कुछ देशों में जैसे कि इंग्लैंड है, वहां पे आप बहुत आसानी से संविधान को बदल सकते हैं जैसे कि कोई एक और कानून पास कर रहे हों, वहीं अमेरिका जहां पे बहुत मुश्किल है उनके संविधान में बदलाव करना, तो भारत में बीच का रास्ता अपनाया गया है, विशेष प्रावधान किए गए हैं कि इनको का पालन करके संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो आपके सामने था, हमने कुछ सेलियंट फीचर बताए, जितने हमने बताए उससे कहीं ज़्यादा हैं, परंतु उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा इस तरह से, और अपने फीडबैक से हमें नवाजिए, हमें बताइए कि आप कैसे वीडियोस पसंद करना करते हैं और आगे देखना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।